ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने पाठ क्रमांक 15 की क्या की थी, पढ़ाई की थी, है ना बच्चों? हाँ, तो आज हम हमारा 15 के बाद कौन सा नंबर आता है? 16। वेरी गुड। तो उसी पाठ का आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सभी के पास ये बुक है, रोली बुक है सभी के पास? हाँ, तो चलो बच्चों निकालो ये बुक। हाँ, उसमें से पेज नंबर आप 86 देखो, उस पे आपको ये हमारा पाठ दिखाई देगा। हमारे पाठ का नाम है रेफ और पदे, रेफ और पदे। तो उसमें से आज हम रेफ का मतलब क्या है, पदें का मतलब क्या है, और इन दोनों का इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और रेफ की एक कहानी भी देखने वाले हैं और पदें की भी एक कहानी देखने वाले हैं। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद है ना बच्चों? हाँ, तो चलो अभी हम पहले देखेंगे रेफ। तो रेफ, इसमें रेफ का मतलब क्या है, तो इसको मराठी में हम रफा कहते हैं। क्या कहते हैं? रफा। और रेफ का मतलब है आधार। कितना र? आधार। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये किसका चित्र है? सूर्य। उसके बाद है सर्प। तो इन दोनों शब्दों में रेफ का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया हुआ है? रेफ का। उसी प्रकार यदि आप यहाँ पे देखोगे तो बोल बोल कर पढ़ो में कई सारे शब्द, लगभग 16 शब्द दिए हुए हैं जो कि रेफ के हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपको अच्छे हस्ताक्षर में आपके कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने किस प्रकार लिख कर दिए हैं, देखो देखो यहाँ पे। हाँ, इस प्रकार आपको भी पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ रेफ की छोटी सी कहानी हम देखने वाले हैं। तो हमारी कहानी का नाम है, क्या है हमारी कहानी का नाम देखो? हाँ, हमारी कहानी का नाम है हर्ष और अपूर्वा। तो यदि आप देखोगे कि हमारी कहानी का जो नाम है उसमें भी दो बार रेफ का प्रयोग किया गया है, रेफ का इस्तेमाल किया गया है ना? देखो अच्छे से देखो। हाँ, यहाँ पे शो पर रेफ है और यहाँ पे वो पर रेफ है ना? हाँ, तो हर्ष और अपूर्वा इन दोनों नामों में रेफ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलो बच्चों अब हम यह कहानी पढ़ेंगे, हर्ष और अपूर्वा। वर्षा रुक गई, सूर्य बादलों में छिप गया था, पर्वत पर मोर नाच रहा था। हर्ष ने कागज की नाव बनाई, वह पार्क की ओर चल दिया। हर्ष को देखकर अपूर्वा ने भी नाव बनाई। दोनों वर्षा के जल में नाव चलाने लगे। पार्क में खेलकर उनको खूब मजा आया। तो यदि आप यह कहानी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस कहानी में कई सारे शब्दों पर रेफ का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके पास पेंसिल होगी, है सबके पास? हाँ, तो ये जो छोटी सी कहानी है ये बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, तो ये कहानी आपको पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? दो बार। और पढ़ते समय पेंसिल से आपको क्या करना है, जिन जिन शब्दों पर रेफ है तो उन शब्दों के नीचे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, वर्षा रुक गई। वर्षा यानी कि क्या? बारिश। यहाँ पे वर्षा किसी लड़की का नाम बिल्कुल नहीं है, वर्षा का मतलब है बारिश। बारिश रुक गई यानी कि वर्षा रुक गई। सूर्य बादलों में छिप गया था, जब बारिश शुरू थी तब सूरज कहाँ था?
बादलों में छिप गया था, लेकिन अब वर्षा रुकने के कारण बारिश थम गई थी, इसीलिए सूरज कहाँ अब आ गया, बादलों के बाहर आ गए। ठीक है, पर्वत पर मोर नाच रहा था, और आपको मालूम है कि मोर यह पक्षी ऐसा है जिसको बारिश बहुत अच्छी लगती है और वो नाचने लगता है ना। हाँ, इसीलिए मोर कहाँ पे नाच रहा था, पर्वत पे। हर्ष ने कागज की नाव बनाई, हर्ष नाम का जो छोटा सा लड़का है आपकी तरह, देखो यहाँ पे इस चित्र में, हाँ, तो उसने क्या की, कागज की नाव बनाई, कागज यानी कि पेपर। उसके बाद क्या हुआ, वह पार्क की ओर चल दिया, पार्क यानी कि बगीचा, जिसको हम अंग्रेजी में गार्डन भी कहते हैं, है ना। हाँ, तो वो गार्डन की ओर गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्ग में उसे अपूर्वा मिली। यहाँ पे आप देखोगे तो ये छोटी सी बच्ची है, हाँ, तो वो हर्ष की क्या है, दोस्त है, तो वो अपूर्वा क्या करने लगी, हर्ष को देखकर अपूर्वा ने भी नाव बनाई। तो हर्ष कहाँ जा रहा था, पार्क में जा रहा था, रास्ते में उसे कौन मिली, अपूर्वा, और अपूर्वा ने भी क्या किया, कागज की नाव बनाई। दोनों वर्षा के जल में नाव चलाने लगे, यानी कि क्या किया उन्होंने, कागज की नाव बनाई और वर्षा के पानी में, यानी कि बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ था उसमें वो नाव छोड़ने लगे। ठीक है, उसके बाद पार्क में खेलकर उनको खूब मजा आया, तो हर्ष और अपूर्वा दोनों ने मिलकर बहुत मौज मस्ती की और उनको बहुत सारी क्या हुआ, खूब मजा आया। ठीक है, तो ये जो कहानी है उस कहानी का है, तो सिर्फ आपको अच्छे से रेप की पहचान करवाना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है रेप अभी आपको मालूम हुआ है, और रेप यह जो चिन्ह है वो कहाँ लगता है, वो शिरोरेखा जो हमारी होती है इसके ऊपर आता है। ठीक है, और एक भी नियम है, क्या है, देखो रेफ का उच्चारण उस वर्ण से पहले करते हैं जिस वर्ण पर इसे लगाते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे हर्ष, यह जो शब्द है इस हर्ष शब्द में ह के बाद हम र का उच्चारण करते हैं, लेकिन हम रेफ जो हमारा है वह श वर्ण पर लगाते हैं, उसके बाद के वर्ण पे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आपको अच्छे हस्ताक्षर में इस तरह से ये शब्द लिखने हैं और यह नियम भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे जाने वाले हैं, फिर एक रेफ की पहचान की है ना बच्चों। हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं पदे, क्या देखने वाले हैं, पदे। तो पदे यह जो चिन्ह है वो दो प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, यह एक प्रकार है और यह है दूसरा प्रकार। ठीक है, तो बच्चों र, र का अलग सा रूप क्या है, पदे। जिन वर्णों को हम र नहीं लगा सकते तो उन्हें हम इन चिन्हों के माध्यम से र लगाते हैं, और यह र भी कैसा होता है, आधा होता है, कैसा होता है, आधा। वेल, तो चलो अभी हम देखने वाले हैं पदे। तो पदे का जो चिन्ह है इसका इस्तेमाल करके प्रभार, ट्रैक, ड्रम, इस प्रकार से शब्द तैयार होते हैं, और यहाँ पे चित्र भी दिखाई देंगे। हाँ, ये प्रभात, प्रभात यानी कि सुबह। हाँ, तो प्रभात शब्द में प, इस वर्ण को क्या लगाया है, पदे लगाया है। यह पदे का मतलब क्या है, आधार। हाँ, वेरी गुड, अभी आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद यह ट्रक, यह ट्रक यानी कि लारी, बड़ी गाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रक यानी कि लारी। तो इसको भी ट को क्या लगाया गया है, पदे। लेकिन प्रभात का जो पदे है वह चिन्ह अलग है, और ट्रक में
है ड्रम। ड्रम बजाते हैं, मंदिर में लगाते हैं, शादी में बजाते हैं। ड्रम का इस्तेमाल तो अभी आपको मालूम है ना? हाँ। तो ड्रम की शब्द में भी द को क्या लगाया है? पदिंग लगाया है। ठीक है बच्चों, अभी चलो हम आगे का पेज देखने वाले हैं। टर्न करो पेज को अच्छे से। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बोल बोल कर पढ़ो, यानी कि यहाँ पे पदिन लगाकर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और ये शब्द आपको अच्छे हस्ताक्षर में बोल बोल कर कहाँ पे लिखने हैं? हाँ, आपकी कॉपी में। और आप ये सब पदिन के शब्द पेंसिल से लिखने वाले हैं, है ना? हाँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख कर बताए हैं। हाँ, इस प्रकार से आपको अच्छे हस्ताक्षर में ये लिखने हैं। ठीक है, अभी देखने वाले हैं हम एक कहानी जिसमें है पदिन का इस्तेमाल। तो चलो बच्चों हम पदिन का इस्तेमाल किए हुई कहानी देखेंगे और हमारे कहानी का नाम है प्रथा मंदिर गई। प्रथा किधर गई? प्रथा मंदिर गई। तो प्रथा नाम की एक छोटी सी लड़की है आपकी तरह और वो मंदिर गई है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाई देगी, है ना? हाँ। तो उसमें छोटी यहाँ बच्ची है, इसका नाम क्या है? प्रथा। और यहाँ पे कौन है? पंडित जी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक औरत भी दिखाई दे रही है ना? हाँ। और यहाँ पे क्या है? मंदिर है। यहाँ पे कुछ ड्रम से दिखाई देगा आपको, है ना? कुछ ड्रम रखे हुए हैं इधर। हाँ। और पंडित जी के हाथ में पूजा की थाली भी है ना? हाँ। तो चलो बच्चों अभी हम ये कहानी पढ़ेंगे। प्रथा मंदिर गई। प्रकाश वर्ष का दिन था। प्रथा मेट्रो ट्रेन से श्रीराम मंदिर गई। पंडित जी को प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए, आरती प्रारंभ हुई, घंटे बजने लगे, ड्रम बिजली से अपने आप बज रहा था। आरती के बाद प्रथा ने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद लेकर घर वापस चल दी। इतनी सी छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में पदिन का इस्तेमाल आपको बार बार दिखाई देगा, है ना? इसमें प्रथा, इस नाम में भी क्या है? पदिन का इस्तेमाल है। हाँ। इसके बाद देखो मेट्रो ट्रेन प्रसाद ड्रम, कितने सारे शब्द इसमें है, है ना? तो आपको क्या करनी है, यह कहानी दो बार पढ़नी है, ठीक है? और पढ़ते समय जिन जिन शब्दों में पदिन का इस्तेमाल है नीचे आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे पेंसिल से, ठीक है बच्चों? हाँ। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं और ये अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ बच्चों। तो इसके बाद अभी हमने क्या किया, रेफ और पदिन की हमने पहचान की। अभी आपको रेफ और पदिन की पहचान आसानी से आप कर सकते हो, है ना? शब्दों के उच्चारण पर पदिन निर्धारित होता है, यानी कि पदिन कहाँ पर हम लगाएंगे ये शब्दों के उच्चारण पर। जिस तरह से हम शब्द बोलते हैं उस पर यह निर्भर होता है। यह आपको सिर्फ याद रखना है और कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो आज बच्चों हमने क्या किया है, हमारा रेफ और पदिन की पहचान की है, जो कि हमारा है पाठ नंबर 16वां, ठीक है? तो इसके बाद आपको करना है अभ्यास, है ना? तो अभ्यास में क्या है मालूम है आपको? हाँ। तो अभ्यास में हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं, जो कि बहुत आसान है,
तो चलो बच्चों हम देखेंगे हमारा पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है बताओ और लिखो। उसमें से पहला सवाल है मोर कहाँ नाच रहा था। मोर कहाँ नाच रहा था, यानी कि मोर कहाँ पे नाच रहा था, अभी आपको मालूम है ना। हाँ, मोर पर्वत पर नाच रहा था। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है किस किसने नाव चलाई। हर्ष और अपूर्वा ने नाव चलाई। उसके बाद आपका तीसरा सवाल है प्रथा किसने बैठकर श्री राम मंदिर गई। प्रथा मेट्रो ट्रेन में बैठकर श्री राम मंदिर गई। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है बिजली से अपने आप क्या बज रहा था। बिजली से अपने आप ड्रम बज रहा था। और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है प्रथा ने आरती के बाद क्या वर्णन किया। प्रथा ने आरती के बाद प्रसाद ग्रहण किया। तो जो एक वाक्य में जो सवालों के जवाब है ये मैंने आपको दे दिए हैं। सवाल नंबर दूसरा जिसमें है चित्रों के नाम लिखो, बहुत ही आसान है, आपको चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। हाँ, और तीसरे सवाल में आपको पदेन और ले रेफ का इस्तेमाल करना है। हाँ, और इतना ही, एक दो तीन ही सवाल है जो कि आपको अच्छे से छुड़ाने हैं। ठीक है बच्चों, इस यह अभ्यास आपका होने के बाद आपको हमारी वर्कशीट भी छुड़ानी है जो कि बहुत आसान है। और मुझे मालूम है कि मेरे सब बच्चे कैसे हैं, बहुत होशियार है, जो बहुत सारी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करते हैं, है ना। हाँ, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए। हाँ, चाहिए ना, वेरी गुड। तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई भी